हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री 2024 के बारे में। तो जो है, हम लास्ट वीडियो में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2024 के बारे में बताए थे। तो अगर आप लोग जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग पॉलिटेक्निक एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। और ये वीडियो जो है लेटरल एंट्री वालों के लिए है। साथ ही मैं ये भी बता रही हूँ कि लेटरल एंट्री और पॉलिटेक्निक जो है, ये दोनों एग्ज़ाम में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, झारखंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से रिलेटेड सारा अपडेट मिलते रहेगा। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगे तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लेटरल एंट्री के लिए वो स्टूडेंट एलिजिबल है जो स्टूडेंट 12 पास आउट है। 10 पास आउट वाले स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, 12 पास आउट वाले स्टूडेंट ही लेटरल एंट्री के लिए एलिजिबल है। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए 10 स्टूडेंट भी एलिजिबल है, 12 स्टूडेंट भी एलिजिबल है, ग्रेजुएशन वाले भी एलिजिबल है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए। तो पॉलिटेक्निक और लेटरल एंट्री दोनों में यही डिफरेंस है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस आपका 3 ईयर का होता है और लेटरल एंट्री आपका 2 ईयर्स का होता है। बाकी जो है, इन दोनों के सर्टिफिकेट में उतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, बाकी दोनों सेम ही रहता है। बाकी इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि दोनों में क्या फ़र्क है, तो उससे आप लोगों को जो है ज़्यादा जानकारी अच्छे से मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में बनाऊंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं ये आप लोग पता चल गया कि लेटरल एंट्री 12 पास आउट वाले स्टूडेंट के लिए है। चाहे आपका 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा हो, आप जो है लेटरल एंट्री एग्जाम के लिए एलिजिबल है। इस वीडियो में अभी हम लोग आगे बात करेंगे लेटरल एंट्री के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लेटरल एंट्री 2024 का जो एग्ज़ाम होता है उसका फॉर्म आ चुका है। लेटरल एंट्री का आप लोग जो फॉर्म है वो आप लोग JSSCB की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म भरने का फ़ी आप लोग का वही कुछ 600 या 500 लग रहा है, वो आप लोग को वहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में अभी हम लोग आगे बात करेंगे लेटरल एंट्री का सिलेबस के बारे में। तो देखिए, जो लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम होता है उसमें वो एग्ज़ाम आपका MCQ बेस होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन रहता है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है। पर हाँ, ये एग्ज़ाम आपका CVT मोड पे नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होता। ये एग्ज़ाम आपका जो है ऑफलाइन होता है, OMR पे आपका जो है एग्ज़ाम होता है। तो अगर हम लोग इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 रहता है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में 150 क्वेश्चन रहता है, इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन रहता है। 100 क्वेश्चन में अभी हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है। तो सब्जेक्ट अगर बात करें तो सब्जेक्ट आपका मैथ और साइंस से रहता है। 50 आपका मैथ से क्वेश्चन रहेगा और 50 आपका साइंस से क्वेश्चन रहेगा। और साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट आपका आ जाएगा। तीनों का ऐसे सेपरेट नहीं करेगा, पर वही 50 मैथ रहेगा, 50 साइंस रहेगा, और साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों जो है आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन आपका 10th लेवल का ही रहता है, उसमें आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोग का जो क्वेश्चन है वो 10th लेवल का ही रहता है, 10th, 11th इसी लेवल का जो है आपका क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग का जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ग्रेविटी हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये सब चैप्टर से जो है आपका क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन कैसा रहता है, क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर कर दूंगी, आप लोग जो है वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्या है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, उस हिसाब से आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो जो भी स्टूडेंट 12th किए हुए हैं वो लोग 10th का सारा चीज़ भूल चुके होंगे, ये हमको बहुत अच्छे से पता है। 10th वाले ही जो स्टूडेंट 10th करके गैप लिए वही भूल जाते हैं, तो आप लोग तो 12th करके भूल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पर आप लोग पढ़े हैं ना, ये सारा चीज़ आप लोग पहले पढ़े हैं, तो आप लोगों को अभी ज़रूरत है एक रिविज़न का, आप लोगों को एक रिविज़न का ज़रूरत है। अभी आप लोग के पास 1 महीना अप्रॉक्स टाइम है, तो आप लोग क्या कीजिए ना, अगर आप लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज कीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो प्रीवियस ईयर को आप लोग एक बार सॉल्व करके देखिए कि क्या प्रीवियस ईयर हमसे बन रहा है कि नहीं। उसके बाद आप लोग जो 10th का जो चैप्टर वगैरह है वो सबको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। मैथ में जो भी चैप्टर है 10th में वो सबका सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए कि इससे अगर MCQ क्वेश्चन आएगा तो कैसा रहेगा।
फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट का जो है आप लोग अच्छे से कीजिए, उसमें जो है चैप्टर को अच्छे से समझिए। उसके बाद आपको गूगल पे जो है बहुत सारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग, तो आप लोग वहाँ से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी आप लोग को ये बताने का जो है ज़रूरत नहीं है कि गूगल से कैसे सर्च करते हैं, वो तो आप सभी को पता है। तो आप लोग गूगल पे ऐसे सर्च कीजिएगा कि क्लास 10 केमिस्ट्री ये चैप्टर एमसीक्यू, तो वो आप लोग का एमसीक्यू दे देगा, आप लोग वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, एक महीना टाइम है आप लोग के पास, बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। बाकी मैं बोलूँगी कि मैथ को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत है, क्योंकि मैथ में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, तो मैथ को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। साइंस तो आपका आप रट्टा मार के चल जाएंगे तो साइंस हो जाएगा, पर मैथ ऐसा नहीं होता है। मैथ में जो है आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करने का ज़रूरत पड़ता है। तो ये रहा लेटरल एंट्री 2024 के बारे में बात। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोग ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं और अगर आप लोग 12 पास आउट है तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि अभी जो है आप लोग का एग्ज़ाम है, आप लोग एग्ज़ाम में ध्यान दीजिए। और हाँ, मैं एक बात और बता दूँ, स्टूडेंट क्या करते हैं यूट्यूब पे हर जगह सर्च करते हैं लेटरल एंट्री का सिलेबस, लेटरल एंट्री क्या होता है, ये वो बहुत कुछ सर्च करते हैं। तो लेटरल एंट्री का सिलेबस तो आपको पता चल गया, अब लेटरल एंट्री होता क्या है, इसमें और आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज है, उसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और भी कुछ डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। यहाँ पे यहाँ वहाँ सर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है, बस आपका टाइम वेस्ट होगा। जब आपको एक ही जगह पे सारा चीज़ मिल रहा है तो आप दूसरी जगह पे क्यों जाए। तो इसीलिए आप लोग जो है अपना तैयारी अच्छे से कीजिए और अपने एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। आप लोग एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।